हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश, जिसमें हम लोगों ने लिया है यूनिट 10 ए को, ठीक है। और चैप्टर का नाम होगा यंग वॉइस ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, जो कि आपके लिए होगा मंथली असेसमेंट, जो आपका मासिक मूल्यांकन परीक्षा होता है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि आज के इस वीडियोस में इस चैप्टर से, यंग वॉइस ऑफ चेंज से क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके मंथली असेसमेंट के लिए भी। मंथली असेसमेंट में बच्चों होता क्या है कि आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, वहाँ पर आपको क्या करेगा, कोई भी एक या दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको वहाँ पे पुट कर देगा और आपको भरने के लिए कहा जाएगा। वहाँ पर आपको कोई चैप्टर का नाम नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा, बस यहाँ से दो आपको उठाकर दे सकता है फिल करने के लिए, ठीक है। और ये सब जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी काम आता है। कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए आपको ये वाला दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ECO स्टैंड फॉर डैश, ठीक है। इसके बाद नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा और आपको उससे आंसर चुनने के लिए कह दिया जाएगा, तो इस तरह से भी सवाल पूछ लेगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सवाल होते हैं क्वेश्चन आंसर को छोड़कर, है ना, ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर हो गया, तो क्वेश्चन आंसर को छोड़कर जितने भी छोटे सवाल होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मंथली असेसमेंट के लिए भी और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को और इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसे इसी वीडियोज़ में याद करने का भी काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा ECO स्टैंड फॉर। आपको सिंपल इसमें जो ये ECO है ना, ये वाला जो ECO है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, आपको इसमें लिखना है इन्वायरमेंटल, है ना, इन्वायरमेंटल आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है चिल्ड्रेंस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको आपको वहाँ पर एक नंबर में फिल करना है, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पर आपको फिल करना होगा ECO का फुल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है बच्चों हमारा सेवरन सुजुकी, है ना, सेवरन सुजुकी, ये आपका गाड़ी नहीं है बच्चों, ये नाम है। तो सेवरन सुजुकी क्या है बच्चों, एक नाम है। सेवरन सुजुकी वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन सी गेव दिस स्पीच, है ना। तो सेवरन सुजुकी जो है वो कितने वर्ष की थी जब उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वहाँ वो थी 12 ईयर्स ओल्ड, कितनी थी, 12 थी, तो आप यहाँ पे 12 भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे बच्चों, 12 भरेंगे, यानी वो 12 साल की थी जब उसने स्पीच दिया था। अगला सवाल है बच्चों हमारा, इन हर स्पीच सुजुकी स्पोक होल्स इन द डैश लेयर, यानी ये जो सेवरन सुजुकी थी ना, वो स्पीच दी थी, भाषण दी थी होल्स के बारे में, छिद्र के बारे में, और वो किसके लेयर के छिद्र के बारे में दी थी, तो वो ओजोन, ओजोन लेयर जो होता है ना बच्चों, ओजोन लेयर कहाँ, ओजोन लेयर कहाँ होता है, आकाश में होता है ना, आकाश में होता है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, एक ओजोन लेयर होता है, उसमें एक छिद्र हो गया, उसी छिद्र पर जो है ये जो है स्पीच दी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, ओजोन भरेंगे, है ना, तो यहाँ पर ओजोन आप भर दीजिएगा, ठीक है, OZONE, ओजोन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ओजोन भर लेंगे और आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 4 नंबर सवाल को देखेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को, द गोल्डन रूल्स ऑफ किस स्टैंड फॉर, है ना, ये जो किस है इसका गोल्डन रूल क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, है ना, क्या लिखेंगे, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, साधारण और छोटा। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग बता देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये वाला आप भर लेंगे और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये ओजोन का स्पेलिंग है, ये 12 है आपका, जो 2 नंबर और 3 नंबर में आपका फिल हुआ है, तो आप 4th नंबर में आपको भरना है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, तो बच्चों अगला सवाल है हमारा, टेररिस्ट अटैक मलाला ऑन डैश 2012,
यानी टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर। तो कब हुआ था, तो 9 अक्टूबर को, है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फिल कर देना है 9 अक्टूबर, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे अक्टूबर लिख दीजिए, ठीक है। 9 अक्टूबर जो है यानी 9 अक्टूबर 2012 को उस पर हमला हुआ था। अगला सवाल है हमारा, मलाला यूसुफ़ज़ई इज़ ए डैश गर्ल, है ना। मलाला यूसुफ़ज़ई इज़ ए डैश गर्ल, कहाँ की लड़की थी, तो वो पाकिस्तानी थी। कहाँ की थी, पाकिस्तानी, तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी लिख देना है, ठीक है। तो वो कैसी लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की थी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप क्लास 8 के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF हो गया या फिर और भी कोई नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।